क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब एनडीए को लगने लगा है कि कुशवाहा वोट बैंक हमारे हाथों से छिटक गया है? क्या यह मान लिया जाए कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक को साधने में कामयाब नहीं हो सके? क्या यह मान लिया जाए? लगता है संतोष कुमार जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजय कुमार झा जी, यह सवाल आपके लिए। जी, अब देखिए, मुझे लग रहा है कि किसी भी सूरत में उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी अब दोनों भाजपा की मजबूरी है, इसलिए कि दो वजह है। एक, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें, भले ही ये बात तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी अकेले तो अपनी छाप छोड़ नहीं पाते हैं, और ये उनकी अपनी मजबूरी नहीं है। वो वोट बैंक की अगर राजनीति होती है तो वोट बैंक की राजनीति की मजबूरी है, क्योंकि उनके पास जितना परसेंटेज जो वोट बैंक है उससे कोई भी दल सीधे सीधे अपनी बढ़त बना करके आगे नहीं चल सकता है जब तक कोई बड़ा वोट बैंक उनके उसके साथ ना खड़ा हो। आप देख लीजिए, ये रामविलास जी के साथ भी होता रहा था और अभी सहनी जी के साथ भी हुआ है, तो कोई एक बड़ा वोट बैंक तो होना ही चाहिए। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जी स्वयं भी, जबकि उनके पास अगर दोनों मान लिया जाए, कुशवाहा भी और उनका उनका अपना समाज भी, अगर दोनों को मान लिया जाए तब भी वो एक बड़े पार्टी को साथ लेकर के चल करके ही आकर के सत्ता में आ पाते हैं, तो ये बात तो सच है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं जीत पाए अकेले, उनको ऐसा लगा, और उसमें कुछ तो रीजन जरूर रहा है कि जो भी भारती जी कह रहे थे, बिल्कुल मुझे भी उसमें मैं उसे एग्री करता हूँ कि वो उनका इशारा जहाँ था वो उनको मिल चुका था, और इसलिए ये जरूरी है कि भाजपा, चूंकि अब जितना बड़ा कद बना करके सम्राट चौधरी को भाजपा रखे हुई है, उस हालत में अब सम्राट चौधरी जी को आसानी से निकाला भी नहीं जा सकता है उपेंद्र कुशवाहा जी के कॉस्ट पर। तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी रहेंगे और सम्राट चौधरी भी रहेंगे, भले ही वो इसमें बहुत कामयाब नहीं हो पाए, वो एक अलग विषय है, उस पर तो अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों रहेंगे। पर आप अजय जी, एक बात सवाल ये उठ रहा है, मैं संतोष कुमार जी से ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा हरि मांझी एक नेता हैं बीजेपी के, और उन्होंने सवाल उठाया था सम्राट चौधरी पर कि अपनी जाति का भी वोट ले नहीं पाए, हेलीकॉप्टर से प्रचार करते रहे। लेकिन सवाल तो उपेंद्र कुशवाहा पर भी उठ रहा है, उठाने वाले तो उठा रहे हैं कि अरे भाई, आप कुशवाहा वोट भी काराकाट में ले नहीं पाए, कुशवाहा वोट भी आपके साथ उस तरीके से नहीं रहा, वो राजा राम सिंह कुशवाहा के साथ रह गया। फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये दोनों नेता मिल करके कुशवाहा वोट बैंक को एनडीए की तरफ खींचने में कामयाब हो पाएंगे? ये एक सवाल उठ रहा है संतोष कुमार जी। पर एनडीए से कुशवाहा समाज से मात्र एक लोगों को एक टिकट दिया गया एनडीए से, और वही इंडिया गठबंधन से 8 टिकट दिया गया इंडिया गठबंधन से, जिसके कारण कुशवाहा समाज का आकर्षण इंडिया गठबंधन की तरफ हुआ, और उसका परिणाम देखने को मिला कि पिछले बार इंडिया गठबंधन 1 सीट जीते थे और इस बार 9 से 10 सीटों पर आ गए, और वोट परसेंटेज भी इंडिया गठबंधन का बढ़ा। तो कुशवाहा समाज जो पिछले 15 वर्षों से 18 वर्षों से एनडीए के साथ इंटैक्ट था, एनडीए का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए तो भाजपा ने कुशवाहा वोट में सेंधमारी के लिए पहले सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया, फिर उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश की पार्टी से तोड़ करके अलग किया, एनडीए में लाने का काम किया, और फिर वो उसके बाद नीतीश कुमार फिर आ गए एनडीए में। तो एनडीए में फिर हो गया कि भाई अब कुशवाहा वोट तो भाई नीतीश जी आ गए तो एनडीए का वोट बैंक हो गया, सम्राट चौधरी अध्यक्ष है ही, उपेंद्र कुशवाहा है, और एनडीए ने कुशवाहा समाज से किसी को टिकट नहीं दिया, मात्र एक टिकट या दो टिकट दिया गया, जिसके कारण वोट बैंक शिफ्ट हुआ। और ये झुकाव, और उसके बाद लालू प्रसाद ने जब संसदीय दल का नेता बना दिया अभय कुशवाहा को, जो कि चर्चा ये थी कि मीसा भारती को बनाया जाएगा, तो कुशवाहा वोट का जो जनरल कुशवाहा समाज में चर्चा है, तो उनका झुकाव आरजेडी की तरफ देखने को मिल रहा है।
तो इसे रोकने के लिए ही उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को अभी और आगे बढ़ाया जाएगा, देख रहे हैं ना कि सभी लोग कुशवाहा कुशवाहा खेल रहे हैं, कुशवाहा भगवान सिंह कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, तो सब लोग कुशवाहा राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि कुशवाहा वोट शिफ्ट ना हो जाए, जो कि एनडीए का वोट बैंक है। तो इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है और मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय राजनीति में भी, केंद्र में भी जगह दी जाएगी, मंत्रिमंडल में भी जगह दी जाएगी। और सम्राट चौधरी अभी मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे और अध्यक्ष पद पर, क्योंकि भाजपा में दो एक ही पद रखना है, तो आने वाले 2-4 महीने में उनको हटाया जाएगा, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को तरजीह दी जा रही है, उन्हें बढ़ाया जा रहा है कि मैसेज ये ना जाए कि कुशवाहा समाज की अनदेखी हो रही है। और आप जान लीजिए भगवान सिंह कुशवाहा को मंत्री भी बिहार में बनाया जाएगा, बिहार में, और इधर ये उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में भी मंत्री बनाया जाएगा। और विधानसभा चुनाव जब होगा तो एनडीए की तरफ से जो लोकसभा चुनाव में गलती हुई है, ज्यादा से ज्यादा कुशवाहा समाज चलिए।